वैसे स्टूडेंट जिनका सेशन 2021 से 24 सेशन है उन सभी के लिए पार्ट वन का एग्जाम हो चुका, रिजल्ट भी आया। पार्ट टू का भी एग्जाम हो चुका, उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, अभी वेट करना है सभी को। और पार्ट थर्ड में एडमिशन के लिए ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है, जो आपको ऑनलाइन स्टार्ट कब से होने वाला है, कब तक इसका लास्ट डेट है, साथ में इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, पैसे कितने लगेंगे, उन सभी का मैं पूरा जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं आपको पूरा जानकारी देता हूँ किस तरह से आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो इसका ऑनलाइन एडमिशन हो, जिस कॉलेज का ऑफलाइन होगा तो उस कॉलेज का ऑफलाइन अपना एडमिशन होगा, जिस कॉलेज का अपना पोर्टल होगा ना, जिसका वेबसाइट होगा खुद का, तो उसका वेबसाइट से ऑनलाइन एडमिशन होगा। जिस कॉलेज का आपको ऑनलाइन करने का वीडियो चाहिए ना, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, ऑनलाइन करने का मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा किस तरह से आपको घर बैठे ऑनलाइन करना है। फिलहाल मैं इस वीडियो में आप सभी को जो जानकारी देने वाला हूँ, जो आपको क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और पैसा कितने लगने वाले हैं। और हाँ, एक बात ध्यान देंगे, जो भी कॉलेज का जो एडमिशन होता है ना, सभी कॉलेज का अलग अलग एडमिशन चार्ज होता है, तो आप अपने कॉलेज के अनुसार पता कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल इस वीडियो में आप सभी को RLSY कॉलेज का बताने वाला हूँ, रामलखन सिंह यादव कॉलेज का, जो यहाँ पर कितना पैसा लगने वाला है। लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट की बात किया जाए तो डॉक्यूमेंट सभी कॉलेज में सेम डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो डॉक्यूमेंट मैं यहाँ बताऊंगा वही डॉक्यूमेंट सभी कॉलेज में आपको लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रामलखन सिंह यादव कॉलेज का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो स्नातक तृतीय खंड यानी पार्ट थर्ड के लिए, बीए बीएससी या बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए एडमिशन के लिए, जो 2021 से 24 सेशन जिनका है, जिनका स्टार्ट पोर्टल कल से यानी 5 मार्च से स्टार्टिंग हुआ, जो इस वाले वेबसाइट पर ऑनलाइन होगा, ठीक है। ऑनलाइन में पैसा जो लगने वाला है ना, बीए का 3015, 2859 और 2759 रुपये लगने वाले हैं, जो आपको कैटेगरी के अनुसार है। और बीएससी के लिए आपको यहाँ पर 3054, 2862, 2762 कैटेगरी के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर आपको नामांकन में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे ना, डॉक्यूमेंट में यहाँ पर प्रथम खंड का अंक प्रमाण पत्र यानी कि पार्ट वन का मार्कशीट लगेगा, द्वितीय खंड का प्रवेश पत्र या मार्कशीट, अगर मान लीजिए आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट ले जाइएगा, नहीं तो आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ 2 फोटो चाहिए, और जाति वाइज हो गए BC1 और SC ST के लिए, उनका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगेगा, ऑनलाइन नामांकन जो होगा ना उसका रसीद, ठीक है। इस तरह से डॉक्यूमेंट लगेगा सभी का, यहाँ पर इस तरह से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट दर्शाया गया है, ठीक है। तो आपको इसका लास्ट डेट नहीं बताया गया है, सभी कॉलेज का अलग अलग लास्ट डेट है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। तो इस तरह से अपडेट है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जिसका ऑनलाइन करने का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, ऑनलाइन करने का वीडियो बना दूंगा।